गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट डिजीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द रिंग वॉर्म। द नेम ऑफ डिजीज इज रिंग वॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ फंगल डिजीज, दैट मीन्स इट अकर्स थ्रू अ फंगस, एंड स्पेशली ये सबसे ज्यादा होती है स्किन पे और स्कैल्प पे। This fungus affects the skin and the scalp. Next, if we talk about the causative agent, मतलब fungus का name अगर हम देखें कि कौन सी fungus ये disease cause कर रही है, तो you can learn the genera Microsporum and Trichophyton. Trichophyton. These two genera's you can learn. Next, we will discuss about the infection, that how it infects, or we can say mode of transmission. So its mode of transmission is, it acquires through soil, कि मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को ये soil के through हो सकती है, ठीक है, by using the towel, किसी second person का जिसको ये problem है उसका हम towel use कर लें तब हो सकती है, क्लोथ्स अगर हम शेयर कर रहे हैं तब हो सकती है ये डिजीज, या फिर हम कॉम्स या कोई भी ऐसा आर्टिकल जो इन्फेक्टेड पर्सन का शेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो इसके थ्रू ये डिजीज जो है स्प्रेड हो सकती है, या इन दिस वे इट इज ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट, ज्यादा ये उन एरियाज में होती है जहां पे हीट और मॉइस्चर ज्यादा होता है, मतलब बॉडी का वो पार्ट जहां पे हीट और मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां पे ये फंगस ज्यादा ग्रो करती है। लाइक अगर हम बात करें स्किन फोल्ड्स, जहां जहां हमारी स्किन फोल्ड होती है वहां पे ये फंगस ज्यादा ग्रो करती है। सम ऑफ द रीजन जो मैं आपको बता देती हूँ, एक ग्रॉइन रीजन है, ग्रॉइन रीजन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो इसका जो यहां वाला रीजन होगा, ठीक है, ये वाला रीजन साइड्स वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रॉइन रीजन। लेग्स के ऊपर जहां पे फोल्ड होता है उसको हम कहते हैं ग्रॉइन रीजन, तो ये ज्यादा ग्रॉइन रीजन में होती है, या फिर ये ज्यादातर बिटवीन द टोज के बीच में भी ये ज्यादा ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स। अब इस डिजीज में सिम्टम्स क्या आते हैं, एक तो ड्राई स्केली लायंस हो जाते हैं स्किन पे, हो सकते हैं किसी भी पार्ट पे, हो सकते हैं कई बार नेल्स पे भी हो जाते हैं, स्कैल्प पे भी हो जाते हैं। लायंस इट्स अ काइंड ऑफ जख्म से होते हैं, छोटे छोटे दाने से होते हैं, ठीक है, उसको हम लायंस कहते हैं। नेक्स्ट, इन लायंस में ना इंटेंस इचिंग होती है, इंटेंस इचिंग बहुत ज्यादा जो है वो खुजली हम कह सकते हैं इन एरियाज में होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रीटमेंट, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कुछ एंटी फंगल मेडिटेशंस। एंटी फंगल मतलब जो फंगस को किल करने वाली मेडिसिन होंगी, लाइक इच गार्ड की एड आती है, इच गार्ड वो भी एक क्रीम है जो एंटी फंगल है, तो हम वो मेडिसिन जो है वो यूज कर सकते हैं जिस एरिया में जो रिंग वॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिंग वॉर्म, ये इसके कॉजिटिव एजेंट, इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स, एंड लास्ट में ट्रीटमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिंग वॉर्म। इन द नेक्स्ट वीडियो आई शैल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट डिजीज, दैट इज मलेरिया।